नमस्कार, स्वागत है आपका तिरहुत लाइव न्यूज नेटवर्क में संवाददाता सोनू पाठक के साथ। सबसे प्रथम नवरात्रि की हार्दिक अभिनंदन करता हूं पूरे देशवासियों को। आज मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड के क्षेत्र संख्या 10 के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 10, जहां पे आइए उनसे मुलाकात करवाता हूँ जो क्षेत्र में काफी चर्चा में चल रहे हैं, जिनका नाम है विक्रम कुमार यादव। सबसे पहले मैं उनसे परिचय कराता हूँ, फिर उसके बाद आगे की बात उनसे तय करता हूँ। आइए सीधा परिचय में आपने सबसे पहले आप अपना परिचय और अपना नाम दीजिए। मेरा नाम विक्रम कुमार यादव हुआ, मैं जिला परिषद का कैंडिडेट हूँ। पिछले 2016 में भी हम कैंडिडेट थे। इसके अलावा कि 5 साल मैंने हर एक पब्लिक से, हर एक जनता से जुड़ के रहे हैं, इसलिए चुनाव में अभी भी हम मन लगातार है। अच्छा विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना परिचय देने के लिए। हम सबसे पहले सवाल आपसे करते हैं कि क्षेत्र संख्या 10 की जनता अगर आपको जीत दिलाती है तो सर्वप्रथम आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले मेरा मन प्राथमिकता रहेगी कि मेरे जिला परिषद पारू क्षेत्र संख्या 10 में बहुत युवक रोजगार है। बहुत ऐसा रोजगार यहाँ पर लाकर पब्लिक के युवा के रोजगार देंगे, युवा को रोजगार देंगे। और आपकी क्षेत्र संख्या 10 में महिलाओं के लिए भी बहुत मैंने रोजगार है, और लड़की भी है कि मैंने उनके लिए सिलाई मशीन के ट्रेनिंग सेंटर भी मैंने खुलवाएंगे। और बहुत है कि पढ़ाई लिखाई के बारे में हम हर एक चीज़ के लिए मैंने हर एक सुविधा मैंने, मतलब यहाँ लड़कियों के लिए सिलाई ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कहता हूँ जो एक सवाल है मेरा मन में पैदा हो रहा है, अगर क्षेत्र संख्या 10 की जनता आपको चुनाव जिताती है तो चुनाव में जीतने के बाद आप विकास पे कुछ कार्य करेंगे? बहुत ऐसा कार्य है कि मैंने पिछले 15 साल से बहुत अधूरा पड़ा हुआ है कि आधा काम हुआ, रोड हो गया, जितना लाइट उठ है कि अभी देखिएगा तो कहीं नहीं मिलेगा आपको। जी, ये सारे काम हम लोग पूरा करेंगे। अच्छा, एक चीज़ हमने आपके क्षेत्र समय में भ्रमण किया हूँ, देखा हूँ कि बाढ़ जो आई थी, बाढ़ में बहुत सारे सड़क ऐसे हैं जो जर्जर स्थिति में हो, क्या उसके बारे में कुछ कहेंगे? बाढ़ मतलब बहुत मैंने जिसमें कि मैंने सही से मैंने रोड नहीं बन पाया उसके कारण भी, और बारिश के नाम और मैंने बाढ़ के लिए मैंने ये सारा मैंने देखावटी में हो गया कि मैंने बाढ़ के पानी से, लेकिन रोड में तो आधा से मैंने कमी सीमेंट रहता है, मैंने हर एक चीज़ में। और पिछला भी फतेहाबाद में आप गए होंगे, वहाँ पर 10 दिन में रोड ही मैंने टूट के मैंने पूरे नदी में दहा गया। जी बिल्कुल मैंने देखा वो चीज़। इसका भी बहाना होगा कि बारिश में और बाढ़ में दहा गया, तो बांध के ऊपर मैंने इतना पानी कैसे आया। अच्छा, तो आप देख रहे थे सीधा लाइव विक्रम कुमार जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या भावी उम्मीदवार है। आइए मैं उनके जो संपर्क में जो चल रहे हैं लोग उनसे बात करता हूँ। सबसे पहले आप अपना परिचय देंगे। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, ग्राम मोहम्मद उबरन, पोस्ट महादेव हूँ। आप क्षेत्र संख्या 10 की जनता हैं? जी, क्षेत्र संख्या 10 की जनता। अच्छा, आप हमको एक चीज बताइए कि क्षेत्र संख्या 10 में अभी वर्तमान जिला परिषद कौन है? निरुपमा सिंह यहाँ से जिला परिषद है, जो कि यहाँ के सांसद, वैशाली लोकसभा के सांसद बीना देवी के पुतो हुई। अच्छा, तो बीना देवी की पुतो जो सांसद है उनकी पुतो है ना? जी जी। अच्छा, आप हमको एक चीज बताइए कि अगर क्षेत्र संख्या 10 में वो क्या काम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आपको दूसरा कैंडिडेट चाहिए? देखिए, यहाँ जो बीते 15 साल से उनके पास सत्ता है, जिला परिषद के सत्ता बीते 15 साल से उनके पास है, और यहाँ पे 15 साल में जो भी कार्य है आप देख चुके हैं। यहाँ भी जो फतेहाबाद के जो कांड है वो उसमें भी आप विजिट किए हैं, पूरा रोड का जैसे है मतलब कि पूरा खराब ही तरह से रोड बन रहा है अभी तक ले। जो भी उनके काम किए हुए हैं, जो सोलर लाइट लगाए हुए हैं, सभी जगह विजिट जाकर कर लीजिए, एक भी ढंगर सोलर लाइट नहीं है। जबकि उसका देखा जाए, बजट देखा जाए, तो बजट कहीं और कहीं और के सामान लगाए जाते हैं उसमें, ठीक है। और उनसे 5 साल से उनकी पुतो है यहाँ के जिला परिषद। सबसे पहले तो यहाँ के बहुत कम लोग उनको चिन्हते होंगे कि यही मेरे जिला परिषद है। क्यों, वो क्षेत्र में नहीं आती? नहीं नहीं, कभी आज तक ले कभी 5 साल में अगर कोई बता देवे कि हाँ हमारे यहाँ आई हुई है, तो आप लोग जो कहिएगा से, कभी आज तक ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ जिला परिषद जो भी है वर्तमान है वो कभी किसी किन्हीं के पास आए हैं, दुख समझे हैं, किसी यहाँ पे गरीब गुरुआ के पास जा करके उनका जो भी है, यहाँ के जो भी उनका आवास के जरूरत है, किन्हीं के पास में हर एक प्रकार के लोगों के पास में यहाँ का कमी है, लेकिन वहाँ अभी तक ले कोई उनका जमीनी स्तर से कहीं से उनका पकड़ नहीं है।
तो आप देख रहे थे जो क्षेत्र संख्या 10 के जिला पार्षद निरुपमा सिंह है, वो अपने क्षेत्र में 5 साल में एक बार भी दर्शन नहीं देती है। आइए फिर इनसे देख यहाँ की जनता है उन्हीं से डायरेक्ट मुलाकात करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम तो मनीष कुमार राय हुआ। जी जी मनीष कुमार जी, क्यों आप नया चेहरा देखना चाहते हैं या फिर कोई पुराना चेहरा देखना चाहते हैं? नया चेहरा और पुराना चेहरा का जहाँ तक बात है, हमारे बीना देवी जी से मतलब कि यहाँ के जो अभी विक्रम कुमार जी जो है जिला परिषद चुनाव जो लड़ रहे हैं, उनका मतलब कि संभावना देखिए और बीना देवी का देखिए। एक निरुपमा सिंह जो है वो हम लोग के जिला पार्षद है, लेकिन सांसद हो के बीना देवी खुद वोट मांग रही है, उनको तो मतलब कि खुद शर्माना चाहिए। और इस पोस्ट पे जो जिला परिषद का जो हम लोग का पोस्ट है, इस पे तो उनको सोचना भी नहीं चाहिए, जबकि हम युवाओं को एक शान है बीना देवी। जब हम लोग कहते हैं कि बीना देवी हमारे ही एरिया से आते हैं, वो सांसद बनी है, दिल्ली में जाके बैठी है, फिर कि उनको लालच बैठी है, लालच उनके मन में कभी नहीं जाने वाली है। और जनता हम लोग का इतना बुड़बक नहीं है, होशियार है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और सब कुछ सोच बुझ के हम लोग विक्रम जाधव के ही वोट करेंगे। और युवा है, समझदार है, फील्ड में रहते हैं। अब देख सकते हैं कि बीना देवी सांसद है इस क्षेत्र की, वैशाली की सांसद महोदया बीना देवी है, जो उनके सिर्फ उनके अपने पुतोहों के लिए वोट मांग रही हैं। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो आप जो यहाँ का वर्तमान जिला पार्षद है वो 5 सालों में जनता के बीच दर्शन नहीं देती हैं। तो आप सीधे लाइव तस्वीर से माध्यम से बने रहिए तिरहुत लाइव नेटवर्क। संवाददाता सोनू पाठक, जय हिंद जय भारत।